आ रही है उसमें पता चलेगा कि उनमें से भी कोई इन्फेक्टेड है या नहीं है। लेकिन अच्छी बात अच्छा यह है कि जो बंदा पॉजिटिव निकला वो क्वारंटाइन था, और जैसे ही वो पॉजिटिव की रिपोर्ट आई तो उसको जयपुर SMS में भेज दिया। वही मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा अपना ध्यान भी रखना है और ये भी देखना है कि हमारी वजह से मतलब जी। की तरफ भी ये जाए ना बस। और आप सही बोल रहे हो रामचंद्र जी, जैसे लोग इधर से उधर आ रहे हैं और जा रहे हैं हाँ वजह हाँ से भी काफी बढ़ रहा है। हेलो। यही है तो। हेलो, जी बिल्कुल। हेलो मैं अनुज बोल रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति मिर्जापुर से। नमस्ते हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। मैम। नमस्कार। आज MHM डे है, आज MHM डे है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सॉरी, क्या कहते हैं। आपको शुभकामनाएं सर। हाँ मैम, आपको भी शुभकामना है। तो आज हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं इस पे, हम लोग विश्व महावारी दिवस पे आज हम लोग फील्ड में भी कुछ काम कर रहे हैं। लड़कियां, जो एडल्ट लड़कियां हैं, इनके साथ में इनको अवेयर करने में और इनको बताने में कि क्या चीजें हैं उसमें, अलग अलग हाइजीन के लिए क्या यूज करें, कैसे यूज करें, क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट है उसके लिए, MHM के, हम अच्छा जी, लोग उसके लिए काम कर रहे हैं फील्ड में आज। बाकी जैसा पहले ही बात हो चुका है कि हम लोग लाइटिंग और चीजों को लेकर के काफी और भी काम करते हैं, लेकिन आज का स्पेशल डे है कि हम लोग कुछ जगहों पे लोगों बच्चों को बेच करके, जो लेडीज स्टाफ वहाँ पे है, और सब लड़कियां तो नहीं मिले, लेकिन जो लड़कियां हैं 14 से 14+ के साथ में, हम लोग छोटा सा एक काम वहाँ पे आज MHM पे कर रहे हैं। ओके चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको शुभकामनाएं भी और ऑल द बेस्ट भी। थैंक यू। और जब आप लोग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कम्युनिटी पे भी जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो आप जी से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सारे नॉर्म्स का सारे नॉर्म्स को फॉलो कीजिए। एग्जैक्टली। और आई थिंक 11:21 हो गए हैं तो मैं आप सबको एक बार क्विकली बता देती हूँ एंड फिर आई विल जस्ट सी अगर गोविंदा सर ने भी ज्वाइन कर लिया हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट। ओके हेलो ओके सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आपको बहुत बहुत वेलकम आज के। हेलो आपको वेलकम है आज के लिए। और जिस तरह से हम हमेशा ही जुड़ते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं और एक डायलॉग करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं हर बार, जैसे पीछे भी जब हमने किया तो बहर साहब भी थे, हमने हिमांशु सर से भी बात की है, तो इस बार हमारे साथ प्रोफेसर गोविंदा जी जुड़ेंगे और डेफिनेटली वो अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, अपना विजन भी शेयर करेंगे। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्विकली हम थोड़े से रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग प्लीज अपना स्पीकर म्यूट पे कीजिए और कैमरा भी ऑफ रखिए। जब भी कोई बोलेगा वो आप अनम्यूट करके बोलिए और कैमरा भी तब आप ऑन कीजिए, क्योंकि इस बार हमारे साथ काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इसीलिए मैं आपसे यू नो ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ ताकि हम लोग सब एकदम से ना बोलें और डिस्टर्ब ना करें। पहले एक बार अच्छे से सुन लेंगे और सुनने के बाद जब आपको कहा जाएगा बोलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तब आप लोग जरूर जरूर आगे आइए और आपके विचार आप शेयर कीजिए, सवाल आप पूछिए। और यू नो अगर फिर भी अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं या चैट भी कर सकते हैं और आप अपना सवाल लिख भी सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी का एक बार स्वागत है और अगले सही 6 मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे। और उतने में मैं एक बार क्विकली देख लेती हूँ कि अगर शुभांगी मैम हमारे साथ हैं और गोविंदा सर हमारे साथ हैं तो हम क्विकली उनको एक बार यू नो उनका वेलकम भी कर लेंगे। सो अगले 3 मिनट के लिए अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज कर लीजिए, तब तक ओवर टू ऑल ऑफ यू।
मैम ये था कि मैम कुलदीप बोल रहा हूँ मैं। हेलो मैम। हाँ जी कुलदीप बोलिए 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 प्लीज बोलिए। मैं ये कहता बीच बीच में ना आवाज ब्रेक हो रही थी, सभी लोगों ने के वीडियो शायद म्यूट बंद ऑफ नहीं कर रखा है तो बीच में आवाज ब्रेक हो रही थी मैम, तो एक बार अगर सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें और या एडमिन अगर आप कर सकते हो होस्ट सभी का वीडियो ऑफ। तो मैं म्यूट ऑल तो कर पा रही हूँ, कैमरा ऑफ करना आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं चेक कर लेती हूँ, बट मैं म्यूट तो कर पा रही हूँ, पर सब जने अपना कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वही क्योंकि आवाज ब्रेक होती है। गुप्ता जी वो कैमरा बंद कर। आई थिंक अगर हम एक दूसरे हम अपने कलीग्स को क्विकली एक फोन कॉल भी करके बोल दी मैम। त्रिलोचन जी हेलो। हाँ जी सादिक आप भी कैमरा बंद कर दीजिए। जी मैम मैं गुड मॉर्निंग। मेरा ये था कि अभी 100 पीपल इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो जो पीएनजीओ के स्टाफ है उनको बड़ा इशू आ रहा है, तो इसमें क्वांटिटी का इशू होता है क्या जूम पे? जी बिल्कुल होता है, आई थिंक नंबर ऑफ पीपल का इसमें एक डेफिनेटली होता है, तो अगर कोई पार्टनर एनजीओ हमारे साथ हमारा कलीग नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप लोग प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग हम सब तक जरूर पहुंचाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि इम्पैक्ट के सारे टीम मेंबर्स जरूर इसमें प्रेजेंट रहें एंड पार्टिसिपेट करें। नहीं मैम इम्पैक्ट के भी सारे टीम मेंबर्स नहीं जुड़ पा रहे, अब यहाँ पे वो फुल हो गया, जो इम्पैक्ट के टीम मेंबर थोड़ा सा एक आध मिनट लेट है वो नहीं जुड़ पा रहे अब। नहीं लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ 68 लोग ही इसमें जुड़े हैं। ट्राई करो, आई होप कि आप ज्वाइन कर लें। 100 पार्टिसिपेंट्स हो गए, एक काम करते हैं। ओके प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए क्योंकि हम बिल्कुल टाइम होने वाला है और हमें स्टार्ट करना है। मैं इम्पैक्ट की टीम में एक मैसेज लिख रही हूँ, मेरी पीएम से रिक्वेस्ट है जरा पढ़ लीजिए उसको प्लीज। ठीक है मैंने मैसेज कर दिया है, आई एम श्योर आप लोग और थोड़ा सा क्विक एक्शन कर लीजिए, एंड आई थिंक गोविंदा सर इज आल्सो हियर विद अस। हेलो सर। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो गोविंदा सर, कैन यू हियर मी प्लीज? हेलो हिज माइक इज म्यूट, ही इज स्पीकिंग बट ओके। हाय सर वी कांट हियर यू, इफ यू कैन प्लीज अनम्यूट, वी कैन सी यू, यस नाउ इट्स ओके, एब्सोल्युटली। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग। So our team is here, you know, all eager to hear you, and you know, I think we can just start in another 2 minutes. Okay. You know, till then, if you would just like to interact, it will be nice. इन द मीन वाइल हमारे पास 2 मिनट है, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहता है। प्रीति। हाँ जी सर। I just wanted to share something not directly concerned with this, but you know, I was having a very interesting conversation with my mom yesterday.
Hello. Okay, over to you, Sandeep sir. You can please switch on your camera and share it with everyone. Hello. Is my voice audible? Yes, sir. Yeah. So, a very interesting conversation I was having with my mom, and she was, this problem which happened in of those, right? Everyone's aware of it, na? So your voice break. Hello. Yes, sir. Audible. Yeah. Yes, so I'm saying please. Everyone's aware of the problem in Rajasthan yesterday. Yes, sir. So I'm saying we were just having a discussion, casual discussion at home, and that actually my mom was sharing an experience that never has in the past 90 years of her existence, including the time when partition etc. happened. There's been one single year of so many natural disasters which have been there. So I don't know if there's any contrary view which anyone has, but this COVID thing, then you had the floods in this hurricane in Bengal, then you have this Rajasthan issue which is there, and then the unrelenting heat which has suddenly happened out of nowhere. It's become so hot all of a sudden, not sure which way is this heading and whether this is the end of it or there's actually going to be a second phase or something now. So it's been from that point of view a very, very unusual time which we faced. Sorry, Sandeep. Hi. Hi. Good morning, Professor Govinda. I'm sorry, sir, Sandeep, I just cut you short because I thought Professor Govinda is already there for probably last 10-15 minutes and he's a stickler of time. So I thought we will first start with him. And then we will continue with our other discussion. Hey, absolutely. We are in fact waiting for you to join in. Okay. So, good morning again, Professor Govinda. And thank you so much for really making time available for us to speak to our larger team of impact. For the team, I just wanted to tell you that all of you would have seen the mail which we sent you about this particular dialogue, which today will be led by Professor Govinda. You all know that Professor Govinda has been the Vice Chancellor. Hello. ये जो भी बोल रहे हैं पीछे सभी लोग अपना म्यूट कीजिए कैन यू प्लीज म्यूट योर स्पीकर्स बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इंटरप्शन एवरीवन नीड्स टू म्यूट देयर स्पीकर्स हेलो आई विल म्यूट इट फॉर देम आई विल प्लीज ऑल वंस कर दीजिए मैं कर रही हूँ आप अपना एक बार दोबारा से म्यूट कर शुभांगी आप अपना एक बार दोबारा ऑन कर लो प्लीज मैंने म्यूट कर दिया सो फॉर माय कॉलीग्स आई एम टेलिंग देम दैट आई मीन यू नो अगेन एज आई एम एक्चुअली टेलिंग यू दैट इफ वी वर्क इन द स्पेस ऑफ एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इफ वी हैवंट इंटरेक्टेड विद प्रोफेसर गोविंदा देन वी हैव मिस्ड आउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोफेशनल लाइफ Professor Govinda was the Vice Chancellor of National Institute of Educational Planning and Administration. And all of us who work in the education space know very well what is the status and the responsibility of this particular institution is in terms of planning and administrating education in India. And again, I would say that I have been very, very fortunate that since the start of my professional career, whatever role I have played in every single role, I have had the fortune to interact with Professor Govinda and get his guidance. Professor Govinda is actually known internationally, not just in India, but internationally within the UN system. He has taught, visited many countries in the world, has taught in the Institute of Planning and Education in Paris, IIEP Paris. Professor Govinda is actually known as a very, very fine thinker on educational issues.
and also a practitioner. You name any innovative program which was either started by Government of India or through non-governmental efforts, Professor Govinda has been involved with every single program and actually has benefited every program with his incisive inputs, thoughts, ideas, and suggestions. So I think we are absolutely fortunate that we are getting the opportunity to talk directly to such a visionary. So Professor Govinda, for you, in this particular call, there are about 70, 80 of our colleagues engaged. Many of our board members are also there, Professor Govinda. As I had told you, we are treating all these dialogues as our organizational learning, because we feel we need to learn and know more. And as I told you during my calls with you, that most of the people would be happy. They will understand English very well. And I know that you feel more comfortable in English, but you speak very well in Hindi as well. So Professor Govinda has very kindly agreed to, intermittently use Hindi as well as English. And I would now hand over the speaker mic to Professor Govinda to take us through this interaction the way he would want to. So you need not we had given a certain structure, but it is up to you, Professor Govinda, in whichever way you want this dialogue to take place for next 1.5 hour to 2 hours. And we would be extremely, extremely delighted to hear your views on the topic, and also on the questions which we sent you a couple of days ago, in order to just for you to assimilate your thoughts. So over to Professor Govinda. Our president is also Professor Govinda there, Mr. Arvind Mahajan, who will come in the end, and in between, maybe our board members and our people would actually be coming to ask questions to you. So whoever would ask the question, I would request that please make yourself visible to Professor Govinda so that he knows who is asking the question or making a submission. And over to you, Professor Govinda, finally. Thank you, Shubhangi. Thank you for giving me this opportunity. It is a great opportunity to interact with people who are working in the field, because I much of the time stay in the office and work. So thank you very much for giving this. I should say that, I got a long list of questions. In fact, it helped me. The questions have helped me to really organize what I want to speak and also relate it with what you want to hear, in fact. So it is very helpful to me. I've gone through all the questions, and then I found there are 4 or 5 clusters of questions that are there. I will try to address each of these clusters. One question, of course, the major cluster that I come across of questions relate to quality and learning outcomes. And then there are some who have also asked questions related to retention. So children join school, but they don't really stay back in the school. And then there are some questions related to teachers. A very important area. The fourth cluster that I find is there are several people who have really reflected on the current crisis, what is happening, and then the online learning and many other issues related to that. And then one cluster of questions relate to your own activities, impact activities, and what can be done. And finally, there are some broader questions people have posed in terms of the challenges that Indian education is facing, and what is the vision and how do we go about doing it. I just wanted to give an overview of the kind of questions that have come. I should confess that it will be few postures on my side to really think that I can answer all these questions. I don't think I will answer all the questions that are there, but I will share my observations on some of them, and we can engage in a dialogue. Maybe in that process, you may be able to discover some solution to some of the questions that you have posed yourself. That is how I plan to really go ahead doing it. As I said, an issue that is in the foremost in everyone's mind today when we talk about primary education is about learning outcomes.
very rightly so. But I also find that there are some people who have asked questions related to children not attending schools regularly and dropping out of the school, the problem of retention despite all these efforts that have gone on and all, which I think, let me begin with the second question that I've been asking. Because I believe that organizations like IMPACT is really working hard, really because the second question still remains. The question of children not attending school, bachche dakhil hote hain lekin aage nahi badhte hain, drop out ho jate hain aur regular nahi aate school mein, ye sabse badi problem hai. To isi ke bare mein main kuch bol ke baad mein main quality ke upar bolunga. Baat ye hai ki government mein aur bahut logon ke man mein aisa aaj aisa man mein hai कि हमारे देश में सभी बच्चे तो स्कूल आ जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्कूल में दाखिल हो गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा सिर्फ प्रॉब्लम है कि क्वालिटी का. लेकिन जैसा कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, मैं भी मानना चाहता हूँ, इसको मानता हूँ कि यह गलत फहमी है. अभी भी बहुत सारे बच्चे स्कूल के बाहर हैं, इसको हमें समझना चाहिए. हमारे देश में जब भी बहुत सारे 1% we have 200 million children, so 1% will be 2 million children in fact. So the number that is there for out of school are still quite substantial. Isi ki wajah se to aapke jaisa organization se jo mainstream karna chahte hain, jo drop out ho gaye hain to wapas lana chahte hain, aise bhi kaam ki baat hai. Ye to hum, it's a sad situation. After such a long period of time, so many decades we have worked after independence, and yet we are finding that there is a large number of children, millions of children even now are outside the school. There is something seriously that we need to think. Why is it so? What is happening? Have we identified the problem properly, or are we still thinking, as some people have pointed out, there is no awareness on the part of the parents? बहुत सारा रिसर्च जो किया है, इसमें से एक निकल के आता है, आज ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो सोचते हैं कि हमारा बच्चों के लिए एजुकेशन का जरूरत नहीं है. आज ऐसा कोई पेरेंट नहीं है. इनको तकलीफ होती होगी, मुश्किल होती होगी कि भेजने के लिए, इनको बहुत सारा प्रॉब्लम होगी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, स्कूल में दाखिल करने के लिए, स्कूल में रखने के लिए, पढ़ाने के लिए. लेकिन ऐसा कोई भी सोचते नहीं है, कोई भी पेरेंट, कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल जाने का क्या जरूरत है, ऐसा नहीं सोचते. आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए जो बहुत साल पहले लिखा था साईनाथ का एक बुक है, एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राउट. आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ यू हैव रेड दिस बुक और नॉट, एंड इफ यू रीड, ही वेंट टू द मोस्ट बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री एंड देन ही ट्रैवल्ड अराउंड एंड द कन्वर्सेशन दैट ही हैज कैप्चर्ड देयर विद द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर टेल्स दैट इवन द people who are so poor that they do not have anything to eat properly, even they say that hamare bacche aaj school mein gaye to aage to theek ho jayega na. So aisi soch hai aaj sabhi ka. Hame ye sochna chahiye ki log sabhi bechna chahte hain, tayar hai enrollment karne ke liye, lekin fir bhi kyon nahi ho raha hai. Hame ek isko thoda analytically dekhna chahiye, किस तरफ का क्या हो रहा है. तो हमारे जो जो स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं. एक है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अभी तक स्कूल में दाखिल हुआ ही नहीं, तो देर इज नो एनरोलमेंट एट ऑल. दिस इज वन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, दिस इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट जोन ऑफ एक्सक्लूजन. और दूसरी कैटेगरी बच्चे हैं जो आते हैं, दाखिल हो जाते हैं, एक साल डेढ़ साल रहते हैं, बाद में निकल जाते हैं. प्रैक्टिकली दे आर ओनली जस्ट एनरोल्ड बट दे हैव नॉट अटेंडेड एनीथिंग. दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर. एंड देन यू हैव स्टूडेंट्स हु अटेंड फॉर 3-4 ईयर्स बट बिफोर रियली दे मूव ऑन टू मिडिल स्कूल एंड देन रियली लर्न प्रॉपरली दे ड्रॉप आउट. दिस इज द थर्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन. Then you have the fourth zone of exclusion, which is even more dangerous, in fact, which is what I call the silent zone.
ये जो बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल में 3-4 साल नहीं 7-8 साल पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ सीख नहीं पाते हैं वहां। वो भी एक्सक्लूडेड ही है, फिजिकली दे आर प्रेजेंट बट अदरवाइज कॉग्निटिवली दे आर आउटसाइड। तो हमें तो ये एनालिटिकली देखने से मिलता है कि व्हेन वी वर्क विद द चिल्ड्रन इन द ग्राउंड we tend to think all children who are outside the school are a homogeneous group. I am sure that many of you must have found that they are not. When you try to mainstream them, you realize that there are children who have never gone to school, there are children who know a little bit already, there are children who have gone further, but we need to really make them learn better. So I just wanted to give this background to make ourselves understand. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी बच्चे सभी तो स्कूल में आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेटा है इसमें भी निकल के आता है करीब 20% बच्चे 5वीं में आने के पहले ड्रॉप हो जाते हैं, और 8 तक जो RTE का रिक्वायरमेंट है 8 साल रहने के लिए स्कूल में, उस तक हम जाएं और तब तक तो 35-40% बच्चे निकल जाते हैं स्कूल से। तो काफी बच्चे बाहर हैं। आई रिसेंटली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस देयर इज अ प्रोग्राम ऑफ NDTV व्हिच इज शोइंग अबाउट द इनविजिबल चिल्ड्रन हु आर देयर इन द स्ट्रीट एंड एवरीवेयर बट वी डोंट इवन काउंट देम। आई थिंक इट इज नेसेसरी टू रियली रिक्वायर ऑल ऑफ दैट। द सेकंड, नाउ सिंस आई केम टू दिस साइलेंट एक्सक्लूजन, दैट मीन्स चिल्ड्रन आर इन द स्कूल बट दे आर नॉट लर्निंग। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट इश्यू दैट ऑल ऑफ अस आर कंसर्न्ड विद। जो नए ड्राफ्ट पॉलिसी बना के लाए हैं इसमें कहते हैं कि लर्निंग क्राइसिस। तो लर्निंग क्राइसिस इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश में नहीं, सभी देशों में इसके बारे में बात हो रही है कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि जो स्कूल में रहते हैं और 8 साल भी 5-8 साल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी कक्षा में जो सीखना चाहिए इतना भी ठीक से सीख नहीं पाते हैं। So this, I think, is a very important crisis. Parents इसीलिए भेजते हैं बच्चों को क्योंकि बच्चे कुछ सीखे, ऐसा नहीं कि ऐसा ही भेजते हैं। और दूसरी बात है कि ये भी हमें मानना चाहिए कि बच्चे इसीलिए स्कूल में आते हैं सीखने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर्स को, आप टीचिंग में और एजुकेशन में मत आइए, आपके मन में ऐसा सोच हो कि कुछ बच्चे ऐसा है कि वो सीखेंगे नहीं। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि सभी बच्चे स्कूल में इसीलिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं और सीख पाते हैं, सीखने का क्षमता है सभी में। हम ऐसा सोच के जाने से तभी लगता है कि हमें कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। लैक ऑफ लर्निंग आउटकम्स इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी नीड टू रियली डू। तो व्हाट आर वी डूइंग रिलेटेड टू दिस? आई वुड से प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड वेरी वेल। इनफैक्ट प्रॉब्लम वॉज आइडेंटिफाइड नॉट नाउ, मेनी डिकेड्स अगो वी आइडेंटिफाइड। आप 1986 पॉलिसी आपने किसी ने पढ़ा होगा, इसमें भी यही लिखा है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के मतलब सिर्फ एनरोलमेंट एंड रिटेंशन नहीं है, अचीवमेंट भी होना चाहिए। यूनिवर्सल अचीवमेंट भी, यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यूनिवर्सल रिटेंशन एंड यूनिवर्सल अचीवमेंट, ऐसा डिफाइन किया था। 1986 पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। तब से हम समझ के आए हैं ये तो अचीवमेंट का प्रॉब्लम है। और ये भी हम जानते हैं कि जैसे असर रिपोर्ट 2006 में आया, जो गवर्नमेंट ही बोलती थी वो तो पब्लिक इश्यू बन गया। 2006 में जब ये असर रिपोर्ट, आप सभी ने पढ़ा होगा असर रिपोर्ट के बारे में, जो ऑल इंडिया टेस्टिंग जो किया, सैंपल टेस्टिंग किया, इसमें से जब ये निकल के आया, सभी के सामने आया पब्लिक में कि बच्चे स्कूल जाते रहते हैं लेकिन वो तो सीखते नहीं है। अभी कितने साल हो गए, अभी तो 15 साल हो गए पहले रिपोर्ट आके। आज की रिपोर्ट जो है, असर की रिपोर्ट, पिछले साल के आप निकाल के देखिए, वो कोई फर्क नहीं है। जो 2006 में कह रहे थे आज भी वही बात कर रहे हैं। तो मतलब हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया लेकिन इसका सोल्यूशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे याद है कि 1989-90 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने, ये गवर्नमेंट ने सोचा था नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन लाने के लिए। जब ये डिस्कशन हो रही थी
गवर्नमेंट में सेक्रेटरी के साथ, एक जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा ये तो शर्म की बात है कि हम इतना सालों के बाद हम नेशनल एलिमेंट्री एजुकेशन मिशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम से भी पता था पहले भी, अभी भी पता है, लेकिन काम करें इसका मिशन का क्या जरूरत है। लेकिन मुझे, मैं इसीलिए इसका उदाहरण दे रहा हूँ, आज परिस्थिति ऐसी है कि 15 साल से हमें पता है, असर रिपोर्ट 15 साल पहले से आने शुरू हुआ, सबको पता है बच्चे सीख नहीं रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसमें वो सुधार नहीं आ रहा है। इफ इट ऑल देर इज समथिंग, एज मेनी ऑफ यू विल फाउंड, इट हैज फर्दर एक्सेंचुएटेड, लर्निंग लेवल्स हैव फॉलन, दे हैव नॉट इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, एंड इन फैक्ट इट इज नॉट जस्ट अबाउट अर्थ, मेनी पीपल थिंक द मैथमेटिक्स सीखते नहीं है बच्चे, एक्चुअली मेनी स्टडीज हैव शोन इट इज द लैंग्वेज विच इज अ वेरी वीक पॉइंट, इवन नाउ चिल्ड्रन डोंट रियली मास्टर expression writing in language or expression speaking in language properly, they are not able to express themselves properly. So it is a very serious issue in terms of, we have identified the problem for many decades but we have not done. Why is it so? I will just analyze one or two points in this. One is, actually, can we really expect learning to happen if schools are not functioning properly? I think we need to really look at the school. And for me, school, we can think of better pedagogy and many other things, but more importantly, we should look at what I call the basic building blocks of a school. What are the basic building blocks of a school? For me, there are 4 things which are basic building blocks. In my view, I think it is necessary to have good, proper infrastructure. मैं ये नहीं मानता हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे भी का क्या जरूरत है, कैसे भी बैठ के पढ़ लेंगे बच्चे, कैसे भी सीख लेंगे बच्चे, ये सभी गलत सोच है। कि अभी 30-40 साल पहले हम गांव में गए तो ऐसा लगता था कि सबसे अच्छा बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग होती थी, लेकिन हम जानते हैं आज हम गाँव में जाए तो सबसे खराब बिल्डिंग होती है स्कूल की, और घर इससे ज्यादा बिल्डिंग होती है घरों की। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि पहले बिल्डिंग ब्लॉक अच्छी तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, यहाँ सभी सुविधा होना चाहिए बच्चों के लिए, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स एंड अदर थिंग्स व्हिच आई एम हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मेनी ऑफ दोस थिंग्स इन द गवर्नमेंट आल्सो। एंड सेकेंड, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक सेकेंड इज एक्चुअली द टीचर। द टीचर, टीचर इज नॉट जस्ट अ प्रेजेंस ऑफ द टीचर, teacher who knows the subject well, who has the subject mastery. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि काफी studies से निकल के आ रही है, और मेरा personal interactions with thousands of teachers during the last 40 years tells me there is a large deficit of subject mastery in the teachers in the primary schools. This is the second building block. Employ teachers who have good subject mastery, what they have to teach. I can tell you, many teachers in primary schools in mathematics, they will not teach beyond basic addition, very little of subtraction, and some multiplication, practically no division. Beyond that, nothing is taught. But all of us know, by the time children complete 5 grades, they should have mastered not only these things, but also fractions and decimals they should have mastered. Now, where are we? So for me, therefore, very important thing is to really, the second building block is the teacher. Strengthen the teacher, ensure that the teacher has the mastery of the subject. I'm not talking so much of pedagogy, then I think it will significantly change. Third, very important is that we need a system of interaction in the school, which is the curriculum being completed. For me, many people think that, you know, what is the point in you are talking about syllabus? This always tell you that, you know, we are busy because we have to complete the syllabus. But in reality, even that syllabus is not completed. As I said, in arithmetic, I have interacted with so many teachers, they don't teach anything beyond these things for 4 years, 5 years. ये नंबर लाइन कैसे सिखाना चाहिए, हमें खुद पता नहीं चलता ये डेसिमल कैसे सिखाना चाहिए। सो फॉर मी देयरफॉर द थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक
is a systematic plane that the children don't learn. And I tell you, much of the dropout that happens in the primary school is because of the school factors, not because of the family factors. It is because of the school factor. Children, if they are learning, they enjoy school. If they are not learning, they do not enjoy school. They will drop out. And that is exactly what is happening. So how do we really rectify this? For me, there are a lot of effort that has happened. The government has made many efforts. Non-governmental organizations are also making many efforts. But many of them are, we are trying to find a system level solution. In other words, Archimedes ne kaha Eureka principle, ek discover ho gaya. Hum ek koi mantra dhoond rahe hain, hum to ek formula dhoond rahe hain ki ye formula kar de to isse ho jayega. Ye aisa koi formula nahi hoti hai education mein. हर एक स्कूल के लिए, स्कूल ठीक से चलाने के लिए हर एक स्कूल में ही ढूंढना चाहिए इसको सलूशन. हमारे पास नहीं है. प्रॉब्लम हमारा देश में यही है कि गवर्नमेंट सोचती है कि अच्छा, एक बहुत अच्छा इनोवेशन है, ये तो पूरा देश में कर देंगे. जैसा नली कली किया कर्नाटका में, आप कुछ लोगों ने सुना होगा, कर्नाटका में हुआ नली कली प्रोग्राम हेगड़देवनकोटे में, और इसको कहा कि सभी अभी चलो सभी पूरा राज्य में कर देंगे. वो तो कुछ नहीं हुआ इससे. वही हुआ एबीएल का, तमिलनाडु में जो किया था एबीएल का, वही परिस्थिति हुआ. सब जगह में यही होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा एक फार्मूला है, इसमें सब कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. वो नहीं होने वाला है. मैं कहना चाहता हूँ कि स्कूल इज द हार्ट ऑफ द मैटर. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी, यू हैव टू वर्क विथ एवरी स्कूल. आई नो द मॉडल ऑफ स्कूल इज दैट चिल्ड्रन, इट्स द एज ग्रेड फॉर्मैट इज वॉट वी आर फिक्स्ड. That according to age, you are in a grade and then you are classified, and class-wise you are taught and there is a syllabus. But that is the only thing that is common for all the schools. Beyond that, everything is different. Children are different, teachers are different. This is what makes a school. Not your curriculum, not the syllabus that you have fixed. What makes a school is this. So how do we really transform a school? For me, to transform a school, you need champions. Local champions, not national champions. Local champions are needed. For every school, there is need for a champion. Who are these champions? They could be anybody. You could be a champion in the place where you are working. Your assistant could be a champion. Your supervisor could be a champion. Maybe in one school, it may be the teacher himself or herself is the champion. I have seen many schools where teachers are themselves the champions. They are doing so well. I went a few months ago, I was in Orissa and went to a very remote corner and found there are two women teachers with practically no facility in the single teacher school. They are actually together, they are working in a one room school. They are working fantastic. Many things they are doing. But I also went to a much bigger school with all facilities, physical facilities, I should say, and many teachers. And every class has a separate room, but I think miserable condition I found in terms of what is happening. So what is required is a champion. It could be a local teacher, it could be a local headmaster, it could be a parent in the locality, it could be an SMC member, it could be you, it could be anyone. But if we don't really have somebody who champions the cause of transforming a school, I don't think quality will improve. Finally, it is the school which can deliver. And it's only school which can deliver quality, not I and you. And that is where we are stuck. Unfortunately, much of the projects that we have been doing in various sectors, they all look at some sort of a standardized solution, an all-encompassing pan-Indian solution or pan-state solution. But you know, quality improvement is not likely to happen like that. And who are the people who suffer the most in this quality? It is what they call the children in the bottom of the pyramid. Economic, socio-economic period, those who are in the bottom of the pyramid, they are the ones who are in the bottom of the pyramid in learning also, in fact. So I think it is very important that we realize this. Now, there was a question related to this in terms of Delhi education model.
that which has proved revolutionary. A revolutionary is a very big word. I am not very sure it is revolutionary or not. But Delhi schools are doing better. There is no question about that. There are many things that have happened well. And very important, as somebody has pointed out, there is much better collaboration between the teachers and the people who are concerned with this. That is, I could call, for instance, some of the champions from outside who are trying to improve it. I think it has really made a difference to Delhi schools. But we should not think that, you know, it is over. The problem is that when we in India, we celebrate prematurely these things. And we project them larger than life picture. And the result is that they dissipate over a period of time. I wish that doesn't happen to Delhi. Okay, that's about the quality. But a linked one is about the teacher. As I said, who can really make a difference? Only the teacher can make a difference. So if you ask me, what is it that we should do the most? Invest in the teacher. Produce good teachers. And you have done half the job, in fact. If you have good teachers who are committed teachers, if you can really find, then I think. Unfortunately, this is one of the weakest areas in India. We know that around 93% of the teacher training institutions in the country are in the hands of commercial private establishments. And so teacher training is a very, very weak phenomenon. More important, actually, as I said earlier also, there are very large number of teachers who enter the school system, but without mastery of the subject they have to teach. I think if I want to bring about change, quality improvement in the school, look at the teacher. Teacher is the only person who can make a change to the school. I and you can go once in a way. An NGO can go. How long will you engage with this? You are not going to engage a lifetime in the same school in the same way. You have a period in which you go and then you go away. So it is very important, therefore, that we build a strong cadre of teachers. Unfortunately, in India, the teacher cadre has been broken down. We don't have a proper system of teacher professional development. So if we have to spend money, I would say most important is that make the teacher better. And maybe she can really do better because it will have a multiplier effect. Don't try to do what the teacher has to do. It's not going to be very helpful. We need to really support teachers, but don't do what the teacher herself has to do, because only she can really engage with the children, and she has to engage with the children. Even if you do, for instance, there are many projects I have seen where there is an additional teacher who takes a separate class and who improves. But these things will work for, you know, in a five hours that the children are in the school, you take the small number of children, 1 hour you deal with them. But the 4 hours, the teacher doesn't do anything. That is not going to be a solution. So in my view, therefore, teachers are the most critical one. And don't make a fetish of pedagogy. Because what we have learned from programs like Teach India program and all, is that don't make a fetish. Training is important. Pedagogy is important. Don't make a fetish. Your commitment is even more important. And that can really make a difference in the way you deal with your children. Your dedication and commitment is more important. I think that is what I am really looking for, the change in the teacher, and it is the teacher who can contribute to transformation of the school. Now I come to that's about the quality and the teachers and all. I come to the next cluster, which is about the current crisis. People have raised many issues related to the current crisis. What do we do? How do I look at the current crisis is, you know, this happens once in 100 years. We had a last pandemic of the same kind 100 years ago in 1918. Just want to say that it's not as bad as it was in 1918, although we are feeling very bad now. It's not that it's not bad now, because in 1918, millions and millions of people died. In fact, I think we are doing better now. Let us be more optimistic and hopeful. Let's not really do that. But what is likely to happen with this long period that we are having, and its economic and social impact it is happening, is that when we get back to some sort of a normalcy, in my view, it is going to take a much longer period to get into that normalcy as we are thinking. But
what is happening, what is likely to happen as an impact is deepening of poverty and increase in inequality. These are bound to happen. It's not what I am saying. This is what all experts, economists are telling, that the poverty is going to increase. What does it mean? The for education, which means that around the, depending upon where you are dealing with, it can be 5%, but in some very backward blocks, it could be even 20% children will get out of the school framework. It's a very, very serious issue. With great difficulty in 75 years, we have seen that almost all children, almost, I would say almost all children are in the school. And today it can really have a big setback of ranging from 5 to 20% children may get out of the school. It means that the impact, an organization like Impact has much greater work to do than what we have been doing. If you are trying to mainstream children, I think how many will you mainstream? Where will you do? How will you do? You have many more questions to answer, many more questions to deal with. I just want to also add here that there are some questions that have been asked about online learning. Will it help at all? Yeah, online learning is really keeping us engaged. The people who can afford, who have the access to smartphones or computers at home, and their children and the schools, which can afford and which have all the facilities to do that, they are really engaging. But I don't think holding a smartphone in the hand, children are learning, and the two parents will be holding the or fix that somewhere in front, and with that the children will learn. I don't think we should move from learning crisis to what I call learning illusion. Let's not believe that learning will happen. Schooling will take place through online. But I am not undermining the value of technology. I think technology has a lot to contribute, not only in this crisis. Probably this will help us to integrate much more technology into the school system, which we have resisted all these years, which we have not done. Probably technology can be integrated much better. And that's the positive side of the online learning that is happening, which we need to really do. Now, the point that I want to make here is that what is being threatened today in terms of the education system is something that we mastered, we perfected beginning from the Industrial Revolution. This is what I call the age grade framework of schooling. This is the product, as all of us know, of the Industrial Revolution, where we must have perfected it now. Now we know that a 9-year-old child should be in grade 3, or whatever is the case. And if the 9-year-old child, she is still in grade 1, you'll say there is something wrong with your child. And if you are pushing the 9-year-old child to 12th grade, oh, what is this? Is it so bright? You know, you seem to have fixed this. We mastered this model. But what is happening today, what this coronavirus has done us, is that it has shaken us out of this. And this complacency that we have a perfected school model is gone. Now, what is under question? Because the school and social distance, they are antithesis, the physical distance that we want to keep. School is a place where we want to come closer, where in one classroom we put 50, 60 children or 30, 40 children, and one teacher teaches the same subject. Now, you cannot sit together, you are telling. Everywhere in the world, we are struggling how to deal with this situation. Some countries are telling that, you know, we will get only 1/3 of the children on a day. That means in the 6 days of the week, 2 days, 30 children will come. If there are 90 children, another 2 days, another 30 children will come. And so what does it mean? 2 days only you will meet. We simply, what I am finding is that after all, education was happening even before industry model came into existence. This kind of school modeling came into existence. But we seem to have forgotten. We have no memory. The humanity and the civilization has no memory now. Now we are almost bankrupt. That if the school doesn't happen, what will happen to education? Is there no other way? I think we need to really think beyond this. Solution has to be found. There is no standard solution. We have become so ritualistic in dealing with the school that we are not able to think beyond that. But we need to find more local solutions.
There are many local solutions in a village where absolutely nobody is infected. Probably children can still sit together and learn if you are confident enough. The solution has to be found locally. And there is no standard solution. Online is not complete answer to the whole thing. Nor is there any state government or government of India declaring that this is the way school will happen. These guidelines are not going to be helpful. In the next 1 or 2 years, where this, I hope it doesn't happen, but many experts are telling that this is likely to continue for not just another 3 months, 4 months, it may be for an year or two till the vaccine is found. If in a year or two is a long period in the life of a child who is beginning schooling, for instance, and what do you want to do with the education of that child? I think we should think beyond the box. We need to think out of box here. If you don't do, then I don't think we will be able to move on. That's what I want to say. About the impact activities, there are a couple of questions. What you are doing about the mainstreaming, how do we do? I just want to say one thing here. Mainstreaming is like, you know, you prepare, you do some special training program, put them into the mainstream, get them into the government school, and so they will continue. I look at the work of I am also associated with several civil society organizations, but I look at the work of an NGO is more like a trusteeship. You need to take children as you are a trust and who are taking care of the children. Don't think that you are providing a service. No, the service provider mentality is not going to be very helpful if you want to make a change. In the sense that I don't know whether I'm making myself clear. जैसे हम बच्चे आते हैं, चलो इसको तो ट्रेनिंग हो गया, अभी तो इसको स्कूल में भेज दो. बच्चों को क्या होगा बाद में स्कूल में भेजने के बाद, पता नहीं हमें. कुछ बच्चे जाते हैं आगे, कुछ बच्चे आगे नहीं जाते हैं. इसको क्या करना चाहिए? तो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को वी नीड टू डू हैंड होल्डिंग. सिर्फ बच्चों का नहीं, आप करते ही होंगे अभी भी, कि स्कूल का भी हैंड होल्डिंग करना चाहिए. जिस स्कूल में हम लेंगे बच्चों को दाखिल करेंगे, मेन स्ट्रीमिंग करेंगे, उस स्कूल का देखभाल करना पड़ेगा हमें. वी शुड बिकम ए ट्रस्टी ऑफ दैट स्कूल, अनऑफिशियल ट्रस्टी. तो क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जो परिवर्तन लाना चाहते हैं स्कूल में, बच्चों में सीखने में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये परिवर्तन कोई मैजिक तो नहीं हो सकता है, कोई ये प्रोजेक्ट से नहीं हो सकता है. इसके लिए तो करीब मेरे ख्याल से एक स्कूल में परिवर्तन लाने का हो तो 7-8 साल लगेगा. हमें 7-8 साल इस स्कूल के साथ काम करने के लिए तैयार होना चाहिए. प्रॉब्लम बहुत बार होता है कि हमारा प्रोजेक्ट भी तो 2 साल का है और कहते हैं कि इसमें तो रिजल्ट बताओ. रिजल्ट तो कभी होता है, कभी ठीक भी नहीं होता है. लेकिन हमें तो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग साइकिल चेंज, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्कूल, we need a long-term engagement. And for me, my experience tells where schools have changed, it is only when you do hand-holding for at least 6 to 7 years. Inke saath kaam kare. Aur kyunki finally, jo wahan adults hote hain school mein, the teachers hote hain, headmaster hote hain, dusre SMC members hote hain, ye sabhi mein parivartan lana chahiye. Tabhi to school bhi parivartan ho sakti hai. Bachchon ki baat nahi hai. जो पेरेंट्स और इनके साथ काम करना पड़ेगा. तो इसके लिए मेरा कहना है कि इम्पैक्ट तो अच्छा काम करते होंगे. मैंने बहुत सारा तो देखा नहीं आपके काम, लेकिन मैंने पढ़ा आप जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है. हम छोटे से कुछ, बहुत सारा NGOs मुझे पूछते हैं हम क्या कर सकते हैं. तो इतना बड़ा सिस्टम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो मानता हूँ this is a very legitimate question. What can a small agency do, non-NGO do? I consider you can do many things. What is that many things? That every child whom you impact is your contribution. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बच्चे आप जिसके साथ काम करेंगे और इनके लाइफ में सुधार लाएंगे और एक हर एक स्कूल के साथ काम करेंगे, इसमें लाएंगे एक स्कूल में एक साल नहीं, साल हर साल hundreds of children they come to your school. वो सभी के लाइफ में आप
जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं आप, परिवर्तन ला रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम है. इट डजंट मैटर इफ यू कैनॉट इम्पैक्ट द सिस्टम, डोंट बॉदर टू मच अबाउट इट. बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क दैट वी डू थ्रू एनजीओस बाय चेंजिंग द लाइफ ऑफ सो मेनी चिल्ड्रन. एंड सो मेनी चिल्ड्रन चेंजिंग मीन्स देयर जनरेशन वाइज दे आर इम्पैक्टिंग फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. I will leave it here. The last point about something about challenge and vision and challenge that has been asked. What is the biggest challenge to the vision of educated India that is being asked? You know, we have done many things in this country. We have changed our policies. We brought in a very revolutionary change like Right to Education Act. We amended our constitution. Bahut kuch kiya hai. लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में, पर्टिकुलरली दूसरे सेक्टर में भी ऐसा ही है, सोशल सेक्टर में, सभी में ये प्रॉब्लम है कि हमारे देश में हम जो पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी हो, इसमें पार्टी वार्टी की बात नहीं है, तो हम वी आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट दैट देयर इज ए सीरियस प्रॉब्लम. आज भी हम बात करें, लोग तो नहीं 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 हमारे स्कूल तो अच्छा चल रहा है, यही बोलते हैं सब लोग. अब मैंने बहुत सारा राज्य स्तर में लोगों के साथ बात करता हूँ, सेक्रेटरी के साथ, वैसे नहीं हमारा हमारा राज्य में तो हमने बहुत कुछ काम किया है, हमारा क्वालिटी तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, लेकिन सच बात है कि ये तो नहीं होगा है. तो मेरा कहना यह है कि दिस अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम. वी हैव टू एक्सेप्ट वी आर ए वेरी लार्ज कंट्री, वेरी डाइवर्स कंट्री, और इसमें रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत है, और विथ इन ए स्टेट ऑल्सो डिस्पैरिटीज इज वेरी हाई. वी हैव वेरी वेरी बैकवर्ड, वेरी रिमोट ट्राइबल एरियाज आर देयर, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क इन ट्राइबल एरियाज एंड इम्प्रूव. लेट्स एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम, एंड लर्निंग इज नॉट हैपनिंग, लेट अस एक्सेप्ट दैट प्रॉब्लम, देन ओनली आई थिंक वी कैन रियली थिंक ऑफ ए सोल्यूशन. अनफॉर्चुनेटली दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज इन अवर कंट्री, इज टू चेंज अवर माइंड सेट, अवर मेंटल सेट, how to really do. Second, I think our education has become so ritualistic that we are not. There is a question somebody has asked about this issue of about science teaching, what is happening. It is written that the Science Education Initiative, how do we get a more scientific attitude into the Indian education system? Somebody has asked this question. Number one, I was not a founder of Eklavya, but although I worked very closely with Eklavya, which developed this, what is known as the Hoshangabad Science Project. Now, the point, this is what I want to say, that we have become so ritualistic that we are not really focusing on developing the value system in the child. Values, I'm not talking about morals and religion. When I talk of values, is science. Science is also a value. It's a mental state that we don't teach science. In my view, in our schools, we don't teach science. We teach additional vocabulary called science. But in reality, we don't teach science. If we teach science, then science is exploration. It's a mental state. We need to question. We need to have suspended judgment. We don't really get into really, argue without any basis, without empirical basis. These are not something to which we imbibe that value in the child, in the schooling process. I would tell you one more value also, which is also equally important today, besides this scientific attitude, is actually also to the value of learning to live together. It's also a value. This value also you can... This value of learning to live together today, as I said, we have to recognize that we are a plural society. We have a very large diversity. Simply saying unity, big usages that we have done, that, unity in diversity and all those things, it only masks the reality, underlying reality. How do we really do? What can school do to really imbibe such values? I said, we have failed in one thing in this country. That is, actually, we have not created a situation where children sit together and learn together. We have created children into different boxes. Different sets of children in different boxes, they learn.
they don't learn to sit together and learn. In a neighborhood, if you have an ultra rich, you go to another kind, and if you are rich, you go to another. In other words, we have tended in this country to create some sort of a ghettoization of the school system. I think we need to break out of that. My vision that, you know, if you want to change, I think we need to break into this ghettoization process, remove this, and see as much as possible to bring greater, what I would say, sort of a shared responsibility in the schooling process. Not separated, exclusive responsibilities, but shared responsibility in the schooling process. That is the biggest challenge that we are facing today. I think I will stop here. Thank you. Thank you very much for your patience and listening to what I said. And we can have some discussion now. Thank you. Well, that was so enlightening. Definitely we all, you know, together we are thinking of making that difference. But as you said that, you know, teachers should master the concept more than, you know, focusing on pedagogy and everything. I think I will also not speak much, and I think there are a lot of participants here. So it's an open discussion now. I will request ki aap please either you can unmute yourself one by one and speak, or you can just raise hand and, you know, then, you know, I can just name it and the person can speak with the camera on, please. Agar aapke koi sawal hai, aap kuch share karna chahenge, sir se kuch poochna chahenge, to please kar sakte hain abhi. I think bahut der se Satpuri karke somebody is there in the participant because naam chat change hoga. So you raise hand kiya hua hai. Do you want to ask something? Anyone, please? Ab aap apne sawal pooch sakte hain. Kuch agar aap share karna chahe to kar sakte hain. Kriti, I believe that many of these people might have put their phone on mute mode. So also say that they unmute because somebody might be trying to say something, but he or she is on mute. बिल्कुल आप सब म्यूट पे हैं तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कीजिए. क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? ओके प्रीति, कैन आई कम हियर? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? कैन आई बिगिन? Probably. Yes, please. Okay. So, Professor Govinda, will ask my question in Hindi because probably most of my field colleagues would be able to understand better. Professor Govinda, I believe आपने हमारे बारे में थोड़ा सा थोड़ा वेबसाइट को अगर देखा हो और जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन भेजी थी. हम लोग 11 स्टेट्स में काम करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मॉडेलिटी हमारी ये है कि हम पार्टनर्स के साथ काम करते हैं. तो इम्पैक्ट के पार्टनर्स हैं 29-30 फील्ड में कि जिनके थ्रू हम कम्युनिटी को एंगेज करते हुए उन बच्चों तक शिक्षा को लाने की कोशिश कर रहे हैं और फोकसिंग ऑन गर्ल्स. प्रोफेसर गोविंदा प्राइमरीली कम फ्रॉम वेरी वेरी डिप्राइव्ड मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड और जो आप कह रहे हैं यू नो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट गर्ल्स फ्रॉम द माइग्रेंट फैमिलीज एक्सेट्रा. तो मैं अगर आपसे ये पूछूं प्रोफेसर गोविंदा कि आपके जो 40 साल का अनुभव है देश के एक ऐसी संस्था में करते हुए जहां से आपने पूरे देश में शिक्षा के जो तंत्र है उसको समझा है और स्कूलों में विजिट किया है, आपको क्या लगता है कि लड़कियों की शिक्षा के जो चुनौतियां हैं ओवर एंड अबव वो शिक्षा की चुनौतियां जो कि कोई भी एक डिप्राइव्ड बच्चा महसूस करता है उससे ऊपर जाकर लड़कियों की शिक्षा की क्या कुछ एडिशनल अतिरिक्त चुनौतियां हमारे सामने हैं और अगर वो चुनौतियां हैं तो उनको सॉल्व करने का उनको एड्रेस करने का हमारे पास में क्या तरीका है कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि वो लड़कियां जो बहुत ही who come from very very deprived backgrounds they are able to understand their agency, they are able to develop their self confidence, self esteem. As you said,
that education is probably going to change generations and therefore education is a huge social responsibility. So, थोड़ा सा अगर आप हमें इस चीज पर बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या कुछ अतिरिक्त चुनौतियां हैं इस तरह की लड़कियों की शिक्षा की और अगर वो हैं तो क्या हैं और उनको हम कैसे एड्रेस करें या रिस्पॉन्ड करें? लड़कियों की शिक्षा का तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो चुनौती तो बहुत है। आप सब लोग तो काम करते ही हैं जमीनी स्तर पे। मेरे ख्याल से एक्चुअली एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वी शुड नॉट ट्रीट इट इन आइसोलेशन। हमारा एक्सपीरियंस भी जो है कि जो महिला सामर्थ्य और ये से भी प्रोग्राम में जो काम किया, इसका एक्सपीरियंस बताती है हमें कि हमें तो कम्युनिटी के साथ, आप लोग करते भी होंगे ऑलरेडी, कि कम्युनिटी के साथ काम करना चाहिए, जो विमेन्स डेवलपमेंट का भी काम करना चाहिए साथ साथ में, पूरा जैसा कम्युनिटी में बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए, तभी ये गर्ल्स एजुकेशन का फैसिलिटी बढ़ सकता है। एक तो ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि हमारा प्रॉब्लम हमारा देश में जो क्रिटिकल पोजिशंस में रहते हैं पॉलिसी मेकर्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटर्स, ये सभी चीज़ है, इन लोगों की मनोभाव में बदलाव लाने का जो बहुत ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी बार ये होती है कि हम सब सोचते हैं कि सब ठीक है, कि ये तो माँ बाप भी चाहते हैं कि गर्ल्स का पढ़ाई होना चाहिए, सभी होना चाहिए, लेकिन जो जो इसके व्यवस्था करना चाहिए गर्ल्स का एजुकेशन के लिए, इसमें बहुत सारा कमियाँ है। दे आर नॉट, आवर स्कूल्स आर नॉट गर्ल फ्रेंडली स्कूल्स इन जनरल, दे आर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली, मेनी ऑफ देम आर नॉट चाइल्ड फ्रेंडली, बट दे आर डेफिनेटली नॉट गर्ल फ्रेंडली। इफ यू वॉन्ट टू रियली डू दैट, आई थिंक इसका स्पेशल प्रोग्राम करना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि लोगों के साथ आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसा आपके प्रोग्राम जैसा काफी आप लोग काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर कम्युनिटी के साथ, so of course you know getting all girls to school you are challenging something very fundamental in the society, the patriarchy you are challenging. It is not something that you know you are only bringing girls to school. Girls bhi je aur aap ye kehna chahte hain ki ladkiyan aur ladke sabhi ek hi star pe padhe aur sabko ek hi suvidha ho, sabhi ek hi jaisa hona chahiye, ye to सामाजिक परिवर्तन की बात है, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है। इसमें तो हमें वी विल हैव टू कंटिन्यू टू स्ट्रगल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन वेरी इजीली। एटलीस्ट नाउ देर इज नॉट आउटवर्ड रेजिस्टेंस, ओपन रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन अंडर हैंड रेजिस्टेंस अभी भी है। एब्सोल्युटली ठीक है। आई थिंक एनीबॉडी एल्स? हेलो, क्या हम ऐड कर सकते हैं? यस, हेलो, अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम वीडियो में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो ऑडियो ही चलेगा वीडियो। ठीक है, नो प्रॉब्लम सादिक, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा आपने बताया आरटी एक्ट, जैसे 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रूल बनाए थे और 2011 में स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसके रूल रेगुलेशन पूरे इंटायर में किया था। तो जैसे एस एस ए की बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, क्या रीजन है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन को लेकर? हाँ, इसमें तो दो चीजें, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम तो हमारा इंडिपेंडेंस के पहले हमने कॉलोनियल जो पीरियड थे इसमें ब्रिटिश लोगों के ऊपर कह रहे थे कि आप तो खर्च नहीं कर रहे हैं, हमारा बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, सिर्फ 25% बच्चे भी स्कूल में नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी 75 साल हो गए, अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम खर्च नहीं कर सकते। तो आई थिंक वी नीड टू इन्वेस्ट मच मोर, स्टेट गवर्नमेंट्स विल हैव टू इन्वेस्ट मच मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर हैव टू इन्वेस्ट मच मोर। इन्वेस्टमेंट अभी भी बहुत ही कम है और कुछ हद तक तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसको संभाल सकते हैं, लेकिन और भी ज़्यादा इसके ध्यान देने का जरूरत है। और दूसरी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट, दे आर ऑल कॉट अप इन दिस
hierarchy of school. We need to have one kind of school for all people to come and then study together. जब तक नहीं होता है तो जो जिसके वॉइस है इनका कोई इसमें स्टेक नहीं है. जिनका स्टेक है इनका वॉइस नहीं है. वो तो आवाज नहीं, इनका आवाज कोई सुनने वाले नहीं होते हैं. जो बोल सकते हैं लेकिन इनको कोई सुनेंगे नहीं है. जो बोलते हैं इनका कोई इनके लिए स्टेक नहीं है स्कूल में. ऐसी परिस्थिति हो गई है. तो सुधार लाने का हो तो ऑफकोर्स कोठारी कमीशन ने कहा था कि कॉमन स्कूल लेकर आना चाहिए. कॉमन स्कूल आएगा कि नहीं, लेकिन उस डायरेक्शन में तो जाने का जरूरत है. लेकिन सर स्टेट गवर्नमेंट्स इस एजुकेशन में बहुत सारा एक्सपेंसेस भी शो करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी होता है, बट अभी भी प्राइमरी एजुकेशन में बच्चे, हम जो रूरल एरियाज में जो काम कर रहे हैं तो अभी भी बहुत सारे बच्चे इरेगुलर हैं, नॉट गोइंग बच्चे हैं. तो जो अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती ही है स्कूलों में. तो ये इसका एक लार्जेस्ट मुझे जानना था कि क्या रीजन है कि गवर्नमेंट अभी भी प्राइमरी को नहीं कर पा रहे हैं. तो बच्चे अभी भी स्कूल गवर्नमेंट पैसा खर्च. कुछ जगह में ये भी बात ठीक है कि स्कूल्स तो सभी व्यवस्था तो किया है स्कूल में. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने सुविधाएं नहीं दिया है स्कूल में, वो तो किया होगा. लेकिन माँ बाप के साथ जुड़े हुए हैं. ऐसा नहीं है कि ये दुकान नहीं है कि दुकान खोल दिया, माँ बाप आके इसको जो जो जिसको चाहिए वो आके खरीदे. ऐसा नहीं है. स्कूल तो ऐसी चीज है कि यहाँ गवर्नमेंट और पेरेंट्स साथ में काम करना चाहिए, टीचर्स और पेरेंट्स साथ में काम करना चाहिए, तभी तो ये काम हो सकता है. इरेग्युलर है बच्चे, क्यों इरेग्युलर है हमने देखा कभी? हम और इनके इनके लिए आरटीई में कहा है कि कंपल्सरी पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन किसकी जिम्मेदारी है? वो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, ऐसा कहा है. पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं था. तो गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी संभाल रही है. अभी इसको देखना चाहिए, साथ में काम करना चाहिए. ये अलग जो दिस एलियनेशन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द स्कूल शुड बी ब्रोकन. आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट. यस सर, हम कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर. हाँ जी आ रही है. मैं बीके गुप्ता, हम लोग इम्पैक्ट के पार्टनर हैं और राजस्थान के रेलमगरा एरिया में काम कर रहे हैं. मैं सर थैंक्स देना चाहूंगा, आपने काफी अच्छी तरह से फोकस किया गर्ल चाइल्ड. मेरा सवाल खास तौर से सर आपसे ये है कि क्योंकि हम लोग बालिकाओं के साथ इम्पैक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं और हम ये महसूस करते हैं कि बच्चियों के साथ काम करना बालकों के बनिस्पत ज्यादा मुश्किल होता है. देखिए अभी भी फील्ड में एक स्टिग्मा ये है कि माता पिता और पेरेंट्स का ये सोचना है कि बच्ची स्कूल जाके क्या करेगी, बच्ची है जल्दी शादी कर देंगे, उसको घर का बकरी चराना है, गाय भैंस का काम करना है, बर्तन धोना है, छोटे बच्चों को रखना है. मतलब आप अगर फैमिली लेवल पे भी देखेंगे तो जो जेंडर डिस्क्रिप्शन वाली जो बात हम कर रहे हैं, आज भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों के ऊपर जाता है और ये एक स्टिग्मा आज भी रिमोट एरिया में, ग्रामीण एरिया में बना हुआ है. दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी भी सोशल सिक्योरिटी को लेकर के सरकार के पास वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है कि हम पेरेंट्स को ये बता पाए कि आज बच्ची गाँव में सुरक्षित है. आज भी 16 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची गांव में रात को 8 बजे के बाद अकेली नहीं निकल सकती. तो माँ बाप भेजना नहीं चाहते हैं. हमने भी ये महसूस किया कि अगर हमारा जो सेंटर चलता है अगर वो फैमिली के अप्रोच से थोड़ा भी दूर है तो हमारे टीचर को बच्चों को लेने जाना पड़ेगा घर पर. तो आप देखिए कम्युनिटी लेवल पर जो स्टिग्मा है लेकर के, सोशल सिक्योरिटी का सवाल है. दूसरा आपने कहा कि आपने भी स्वीकार किया कि हमारे स्कूल जो हैं वो गर्ल फ्रेंडली नहीं है ज्यादातर. आज भी बालिकाओं के टॉयलेट्स को लेकर के प्रॉब्लम है क्योंकि वो ओपन में नहीं जा सकती हैं और भी बच्चों से संबंधित कई सारी समस्याएं हैं. तो जैसे मैम ने भी पहले रखा है कि चूंकि हम लोगों को ज्यादा फोकस गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के साथ करना है और आज भी हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान में आप देखेंगे कि बाल विवाह को लेकर के, चाइल्ड मैरिज को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस्ड है. तो सर और एनजीओ इन सारी चीजों को लेकर हम फोकस भी कर रहे हैं तो हमें आपको क्या, और लास्ट बात मैं रखना चाहूंगा, गवर्नमेंट के साथ में भी आज एक चैलेंज है. जेंट्स टीचर रिमोट में इजिली फिर भी चला जाएगा लेकिन अगर फीमेल टीचर को कहा गया कि तुमको 3 किलोमीटर वॉक करके, क्योंकि गवर्नमेंट का आरटी में क्राइटेरिया है कि आपको हर 2 किलोमीटर के एरिया में स्कूल खोलना है,
तो आज आप देखिए, अगर अगर फीमेल टीचर है वो रिमोट में अप्रोच नहीं कर पाएगी, वहां नहीं ठहर पाएगी, उस तरह के साधन नहीं है, वो नहीं जा पाएगी, तो सर मेरा कहना है कि जब इस सिनेरियो के अंदर अगर एनजीओ को काम करना है और हम इम्पैक्ट के पार्टनर है, तो जहां आप जहां हम बच्ची को मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं वहां पर फीमेल टीचर आना ही नहीं चाहता, वो फीमेल टीचर रहना ही नहीं चाहता, उस तरह का एटमोस्फियर ही नहीं है, तो क्या क्या हम सोचें कि हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को इस सिनेरियो के अंदर आगे ले जा पाएंगे, ये इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। तो थोड़ा सा आपसे हम फैसिलिटेशन चाह रहे थे कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें फोकस करें कि कैसे इसको हम उभार पाएंगे इस सिचुएशन के अंदर। आपने तो आपने कुछ समझाया बहुत अच्छी तरह से कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो रहा है, कि जो आपने कहा कि ये समाज में एक सामाजिक परिवर्तन लाना पड़ेगा, इनका मनोभाव में बदलाव लाना पड़ेगा, जिस तरीके से देखते हैं लड़कियों का एजुकेशन के बारे में, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा हमें, और ये तो बहुत कठिन की काम है, इसमें एक साल में दो साल में नहीं होगी, बहुत साल तक जोड़ना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि जैसा प्रोग्राम्स करेंगे, जहाँ किया है वहाँ कुछ हद तक हमें फल भी मिला है इसमें, जहाँ ये महिला सामर्थ्य जैसा जो काम हुआ है वहाँ महिलाओं को इकट्ठा करके काम किया है, वहाँ कुछ हमें सक्सेस भी मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन लेकिन बहुत सभी एक साथ में होना चाहिए, सिर्फ ऐसे भी करो। लेकिन आपने जो कहा कि लड़कियों को जाने के लिए आने के लिए सिक्योरिटी नहीं होती है, उसको भी करना पड़ेगा हमें, तो इसमें गोइंग टू टेक टाइम, लेकिन ये तो एक साइक्लिकल है, जितने मुश्किल से भी हम जितने लड़कियों को पढ़ाई में ले जाते हैं, इसको कराते हैं, तो इतना ही इनका इम्पैक्ट होता है। हम कुछ काम कर रहे हैं कि राजस्थान में भी जो हो रहा है कि जो जो लड़कियों का जो ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं बाद में, और इसमें जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए लड़कियों के, ग्रोन अप एडोलेसेंट गर्ल्स का, इससे काफी इम्पैक्ट हो सकता है। वी नीड टू कैप्चर द राइट काइंड, बट आई वुड कंसिडर डोंट फोकस ओनली ऑन गर्ल्स, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ एडोलेसेंट्स फोकस ऑन द बॉयज ऑल्सो, टुगेदर दे कैन रियली मेक ए डिफरेंस, नॉट जस्ट ओनली विद द गर्ल्स। बट आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड यूर सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। अनुपा जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, नमस्ते गोविंदा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, और दो तीन चीजें हैं जो मुझे थॉट आ रहा था। एक तो जो आपने कहा कि जॉयफुल लर्निंग होगा जब हम रिटेंशन की बात कर रहे हैं, तो अगर जॉयफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं तो मुझे एक लाउड थिंकिंग आ रहा था कि बच्चे जॉयफुल लर्निंग कब करेंगे, जब टीचर खुद इंजॉय करेंगे बच्चों को पढ़ाने में। तो मुझे लग रहा था कि हम जब पेडागोजी की बात कर रहे हैं इस पे थोड़ा फोकस और करना होगा अभी के दौर में, अगर हम रिटेंशन को कम करने की बात कर रहे हैं। दूसरा एक जो चीज है, आपने कहा कि कमिटमेंट और डेडिकेशन, डेफिनेटली कमिटमेंट और डेडिकेशन चाहिए, बट मुझे लगता है ये वैल्यू सिस्टम का एक इश्यू है कि हम जो ट्रेनिंग्स करते हैं हम कंटेंट पे तो बात कर पाते हैं, प्रोसेस पे तो बात कर पाते हैं, बट जब वैल्यूज की बात होती है, क्योंकि कमिटमेंट और डेडिकेशन एक ट्रेनिंग से जनरेट नहीं होगा, तो मुझे लगता है थोड़ा क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आपका अनुभव है, कि जिससे हम इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाए। और एक और जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, जब आप कह रहे हैं कि क्वालिटी को, जो आउटकम है लर्निंग का, वो हमारे पास है, और आपने ही कहा कि ये बिल्कुल सही है कि 6-7 साल चाहिए तब जाके शायद हम उस आउटकम तक पहुंच सकते हैं, उसका एक हिस्सा, पूरा तो नहीं, तो हम इसको कैसे देखें, क्योंकि नो डाउट हमारे पास चैलेंज तो है, एक प्रोजेक्ट पार्टनर होने के नाते हमें उस टाइम लिमिट में खत्म करना है, हमें रिपोर्ट्स भी करने हैं और हमें वो आउटकम भी देखना है, तो क्या कोई ऐसा मेथडोलॉजी है, कोई ऐसा तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करें, एटलीस्ट एक लेवल तक का तो वो आउटकम हमें दिखाई देने लगे। और जो दूसरा कंटेंट और प्रोसेस वाली बात है, हमारे पास सिर्फ 3-3.5 घंटे होते हैं, तो कैसे इसको मैच करें कि एक तो टीचर्स में वो डेडिकेशन बना पाना, ला पाना, और दूसरा उस कंटेंट को उसी 3-3.5 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर बेटर प्रोसेस से डिलीवर कर पाना, तो इस पे मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा कुछ शेयर करें। मैं आपने ठीक से समझाया कि जो जॉयफुल लर्निंग कहते हैं, एक जॉयफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए क्लासरूम में, ऐसा बनाना चाहिए, एक वातावरण बनना चाहिए, तभी तो जॉयफुल लर्निंग हो सकती है। इसमें टीचर इफ टीचर इज नॉट एंजॉइंग, वो जॉयफुल लर्निंग तो बच्चों के लिए हो नहीं सकता है।
वो तो पनिशमेंट हो जाएगा बच्चों को भी, जैसे टीचर पनिशमेंट सोचने से बच्चों को भी पनिशमेंट हो जाएगा। वो तो आपने अच्छी तरह से कहा कि तो टीचर को खुद एंजॉय करना चाहिए पढ़ाने का, ये तो दिस इज अ वैल्यू सिस्टम। मैं मानता हूँ कि सिर्फ 7-8 महीने की 2 साल की ट्रेनिंग में ये वैल्यू सिस्टम नहीं बनता है। ये वैल्यू सिस्टम तो बनता है कि एजुकेशन सिस्टम में पूरा पूरा आप 15 साल पढ़ के आप ग्रेजुएट बन के बाद में 1 साल ट्रेनिंग में आपका परिवर्तन हो जाएगा, ये तो वैल्यू सिस्टम नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल से हमारा प्रॉब्लम सिर्फ टीचर ट्रेनिंग का नहीं, पूरा एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू को हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने ये ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये वैल्यूज बढ़ाना चाहिए, डेडिकेशन और ये सभी चीज तो परफेक्शन करना, अच्छी तरह से काम करना, अच्छी तरह से सीखना, ये तो शुरू से करना चाहिए। हम हमेशा 35% में रख दिया हम लोगों को, 35% होने से यू शुड बी हैप्पी। आई थिंक वी शुड मूव फ्रॉम 35% टू 65%, आई थिंक देन इट कैन रियली चेंज। और दूसरी बात है कि आप लोग शॉर्ट टर्म काम करते हैं, I always find that the NGOs, you work, many of you work with great dedication in the field and very genuinely you are working. It is not that the teachers and others are not genuine, but we are not able to make किसी को खड़ा करना पड़ेगा locally. Locally इसको आगे ले जाने के लिए किसी को खड़ा करना पड़ेगा, जो जिसको ownership होगी इसके बारे में, ये परिवर्तन लाने के लिए। मैं तो 5-6 साल इसके ऊपर डालूंगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है कि कोई सेकेंडरी स्कूल टीचर होंगे, दूसरा कुछ होंगे, वो काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी तो ये काम हो सकता है। कि सिर्फ ऐसा शॉर्ट टर्म से तो कुछ करते हैं, लेकिन वो इट डजंट टेक यू टू द क्रिटिकल मास। जैसा क्रिटिकल मास जो कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट, ये स्कूल फिर से वापस उसी स्तर में चला जाएगा, पुरानी स्तर में। जब तक वो टिपिंग पॉइंट में हम नहीं ले जाते हैं इंस्टीट्यूशन को, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। वो प्रॉब्लम प्रिया गोविंदा सर बहुत बढ़िया। आई थिंक बहुत सारे रेज हैंड्स हो रहे हैं, एक राहुल भी कुछ बोलना चाहते हैं, और फिर अगर मैं मिस करती हूँ किसी का हैंड रेज तो आप प्लीज बोलिए, पर आई थिंक राहुल काफी देर से रेज हैंड किए हुए। राहुल ओवर टू यू। यस यस मैम, हेलो, नमस्ते सर। तो मेरा 2 क्वेरी था। एक तो जो लोकल चैंपियन की बात किया था, जो बहुत सही भी है, लोकल उनके पास ईजी अवेलेबल रहेंगे, लोकल चैंपियन को हम एज ए सेंटर देखें या स्कूल में हम कैसे बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो है कि जो आइडिया होता है, कोई भी अगर हम आइडिया देखें तो आगे छोटा स्तर पे शुरू होता है, अगर हम सेंटर पे देखें तो छोटा स्तर पे काम होता है। अगर ये लगता है कि ये अच्छा यहाँ वर्क कर रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि इसके दूसरे सेंटर पे ले जाए, और ऐसे ऐसे स्टेट पे जाता है, स्टेट से फिर कंट्री पे जाता है लास्ट लेवल। चाहे आप इसको कुछ फेल भी हुए और कुछ सफल भी हुए ऐसी योजनाएं और कुछ असफल भी, तो इसको हम कैसे जब रिप्लिकेट कर रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए, तो इसके बारे में दोनों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। ये जो छोटे स्तर पे जो चैंपियन की बात कर रहे हैं वो तो मुश्किल है ढूंढना, लेकिन मिलते हैं काफी जगह में। हम एक प्रोजेक्ट देख रहे थे एक जगह में, इन लोगों का एक प्रोग्राम था कि मदर टीचर्स, इसमें ऐसे भी थे जो चैंपियन, वो जो बच्चे पर्टिकुलरली गर्ल्स को स्कूल लेकर आते थे और इनको वहां सभी सुविधा करा के देते थे, इंश्योर करते थे कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो, पूरा पूरा करो, पूरा साइकिल पूरा करें ऐसा। और इसमें ऐसे भी लोग थे कि जो खुद अनपढ़ थे लेकिन वो चैंपियन थी, क्योंकि वो काम करती थी इसकी के स्कूल के बारे में। तो कौन चैंपियन हो सकता है आपको लोकली ढूंढना पड़ेगा। कुछ में सफल होती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी छोटे स्तर पर अच्छा होता है, बाद में हम सोचते हैं कि पूरा अच्छा, लो ये बहुत अच्छा है, इसको दूसरी जगह में भी ऐसा ही कर दो। मैं तो मानता हूँ कि ये नहीं होने वाला है। एक गांव में सक्सेस हुई इसके मतलब ये नहीं कि उसी फार्मूला दूसरे गांव में सक्सेस होगी, नहीं हो सकती है। ये तो हमें ढूंढना पड़ेगा हर एक स्कूल के लिए। तो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव, दैट वी थिंक दैट यू नो वी कैन ब्लाइंडली रेप्लीकेट
what we have got as though there is a formula. As I said earlier, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तो एक में जगह ठीक हो गया, इसी को मल्टीप्लाई कर दें, सब जगह में हो जाएगा, सभी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये तो नहीं होने वाला है. मेरे ख्याल से तो हर एक स्कूल में अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हर एक स्कूल को परिवर्तन लाने के लिए, तभी तो कुछ हो सकता है. ओके, ठीक है राहुल. ओके, थैंक यू सर. ग्रेट. यस, आपको प्लीज. प्रीति. हाँ जी. हाँ, दिस इज रुक्मिणी. कैन आई जस्ट ask a question? Yes, Rukmini, please, over to you. Yes, good afternoon, sir. I'm not switching on my video because the bandwidth is really low here. Okay. And the connectivity is very bad. So good afternoon and thank you for the wonderful talk. I'm Rukmini from Impact. I just want to ask a question, rather not a question, but it's more an observation or a challenge that we face, and it's a frustration rather. Is you were talking about building blocks, and one thing you spoke about is system of interaction and how good it should be, and it is one of the building blocks for quality education. And in Impact, when we teach our children in our centers, we take this point, this building block very seriously. We try and train teachers on how to use learning materials, train them on academic initiatives, etc., so that there is an interactive way of teaching, try and inculcate critical thinking, etc. But finally, when they are mainstreamed, they go into a school which probably has good infrastructure, but they don't have such interactive learning methods, nor the teachers are qualified enough or serious or committed to teach them. So what happens is, although when you said that we are impacting one girl, we probably have impacted her in a way that we have made education learning joyful for maybe the primary years, and then once she's mainstream, then she loses interest, and then finally in school she's a dropout. Then, I mean, it's a frustration rather than what is the point of, all that effort when finally it's not sustainable in school. So, I mean, how best, organizations like Impact can work with governments in a way that, there is sustainability and the child sees through all the classes and finally, learning levels are reached. So I mean, I don't know. It's just an observation or a challenge that, it becomes frustrating then for us to see that is happening. The problem is that, we have a physical infrastructure. Now, I think physical infrastructure in many places has improved, although not everywhere. And then we have a teacher. But the problem begins with the teacher. Many teachers are not really mastering what they have to really teach. And therefore, they do not really share. They are not confident to really do that. But that's where the problem begins. See, a person who is very keen on really transferring the knowledge or skills to the another person, you have to intensely interact with the other person. What does a parent do? For instance, a school mein jo padha lete hain, बाद में घर पे अच्छा होता है कि जहाँ होमवर्क कराते हैं मदर इन ए मिडिल क्लास फैमिली, वो तो आधा घंटे में बहुत सारा सिखाते हैं, क्योंकि वो इंटरेक्शन जो होता है, इंटेंसिव इंटरेक्शन होता है. जो स्कूल में 5 घंटे बैठे हैं फिर भी इंटेंसिटी नहीं है इंटरेक्शन में, और वो जो आत्मीयता होना चाहिए, दैट आई शुड कंसिडर दैट माई चाइल्ड हैज टू लर्न दिस माई प्रॉब्लम, यू नीड टू फील दैट. Then I think it is possible. So when I said building blocks, I consider physical infrastructure, a teacher who knows the subject, and a prescribed curriculum, and what I call intensive time on task. This is what the word that is used. ये चारों होना चाहिए, तभी जरूर होगा कुछ. कुछ हो सकता है. Not everybody is in the equal, but I think considerable change can be brought in.
But that's where the problem of changing the mindset of the teachers is important. Thank you, sir. Yeah, thank you, Rukmini, for your question, and I'm sure you got the response, you know. Anybody else? Ji, main Praveen Gokhale hoon Pahal se. Ji sir, boliye please. Ji, sir, main thoda sa ye janna cha raha tha ki hum log right to play ke upar kaam karte hain aur aaj World Play Day bhi hai, to aur COVID ke sandarbh mein hum education aur khel ko kaise jodte hue dekh sakte hain jisse ki aur ye joyful aur zyada behtar ho sake. जितना पढ़ाई जरूरी है उतना खेल भी जरूरी है. अगर आप बेहतर पढ़ाई को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो खेल का भी उतना ही महत्व है. तो ये राइट टू प्ले को लेकर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो कैसे हम शिक्षा और खेल को जोड़ सकते हैं और क्या, और ये कोविड के संदर्भ में और कैसे इसको हम जोड़ के और किस नए तरीके से चीजों को देख सकते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आप जानते होंगे, लेकिन अभी कोविड के टाइम में तो देयर आर मेनी कंस्ट्रेंट्स आल्सो. डूइंग प्ले इज नॉट एज इजी एज इट इज, लेकिन आपको बहुत क्रिएटिव बनना पड़ेगा टू रियली आइडेंटिफाई प्लेस व्हिच आर नॉट करेंटली बीइंग डन एंड न्यू काइंड्स ऑफ प्लेस यू मे हैव टू क्रिएट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपना ढूंढे, अपने क्रिएट करें प्ले. At least we have found actually in one place actually where it is being done that they really create new games. Probably that is one way of really looking at it in terms of play being the part of it. Otherwise, play way is something that is in all making a joyful learning is play way in a way. Thank you, Ji. Thank you, sir. Yes, anyone else, please? I could see some raised hands. आप प्लीज वेट मत कीजिए मेरा नाम लेने का, वो raised hand मुझे कभी कभी बीच में दिखता नहीं है. आप प्लीज पूछिए, पूछ लीजिए. प्रीति? Yes, please. प्रीति, लोग बाग हाथ खड़े करके जब तक रह रहे हैं, मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर गोविंदा से. कैन आई आस्क प्रोफेसर गोविंदा, एक बहुत हमारे बीच में अक्सर जब डायलॉग होते हैं, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे इटसेल्फ वी वर टॉकिंग अबाउट इट. आपका शिक्षा में कितना लंबा एक्सपीरियंस है प्रोफेसर गोविंदा, और आप, मैंने जो महसूस किया कि आज की टॉक में भी आपने बहुत एम्फेसिस दिया है टीचर की तैयारी पर, टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, और जैसा मैं समझती हूँ आपके आपके साथ हुए इंटरेक्शन से और जो शिक्षा में काम से, कि आप सिर्फ ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे हैं जब आप टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. पर मैं ये आपसे चाहती हूँ कि आप हमारी टीम के साथ थोड़ा सा क्रॉस टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट में क्रॉस लर्निंग का क्या क्या महत्व है, अगर थोड़ा बातचीत इस पर भी करें तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम जब बात कर रहे थे तो ये बहुत आ रहा था कि अक्सर करके हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं प्रोफेसर गोविंदा, वो ज्योग्राफी स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को, महिला टीचर्स हैं हमारी 90% ऑफ द टीचर्स, कि उनको लाना पॉसिबल नहीं है दूसरी जगह पे, बड़ा मुश्किल होता है, सेफ्टी कंसर्न्स, दिस कंसर्न, दैट कंसर्न, एंड आई हैव बीन टेलिंग देम ऑल दिस व्हाइल कि देश में इतने सारे, और आप जानते हैं मैं और आप लोग जुम्बेश, दूसरा दशक, कितने प्रोग्राम्स के साथ हम जुड़े रहे हैं जहां हमारा बिल्कुल विपरीत अनुभव है इसके. तो मुझे लगा कि अगर आप इस पर थोड़ी बात करेंगे तो इसका महत्व, इसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस हम लोगों को समझ आएगी, एंड देन वी विल स्टार्ट डेलिबरेटली सीइंग दैट द क्रॉस लर्निंग इज पॉसिबल अमंगस्ट टीचर्स. क्रॉस लर्निंग मींस एग्जैक्टली व्हाट यू मीन? सो across sectors. Yeah. Across, yes, that's right. And also, you know, teacher from a particular block is able to, or, you know, learning from other teachers, other organizations. So in general, in the social development educational sphere, there is an importance of learning from each other, cross learning of all kinds. Actually, the one of the biggest principles of teacher education is actually peer learning. In fact, in general, in academics, actually, if you are talking about academic line,
the best learning happens through peer learning, peer interaction से ज्यादा होता है. आपने ये जो शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट में जो हुआ था राजस्थान में, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी शिक्षाकर्मी में, जो 15 दिन के बाद मिलते थे सभी टीचर्स और शेयर करते थे कि हमने क्या किया, हमने क्या किया. आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसमें ट्रेनिंग जो ये प्रोफेसर आके ट्रेनिंग देते हैं, इससे नहीं मिलता है ये चीज, जो अपना एक्सपीरियंस से मिलता है. क्योंकि क्योंकि टीचिंग ऐसी चीज है, इट्स अ प्रैक्सिस, यू इम्प्रूव थ्रू प्रैक्सिस, नॉट बाय थियरी. सो वी आर टू मच ओरिएंटेड इनटू व्हाट आई कॉल डिसिप्लिनरी लर्निंग, नॉट एक्चुअली in terms of what we learn through practice. In fact, this is what I call the crafts knowledge versus disciplinary knowledge. Hamara teacher training to both disciplinary knowledge ke upar jyada baat deti hai, lekin jo crafts knowledge jo hoti hai, jo kaam karke se jo seekhte hain, iske bare mein hum jyada dhyan nahi dete hain. Mere khayal se professional development ke liye crafts knowledge ka bahut important thing hai aur isko ye karna chahiye, jyada dhyan dena chahiye. सर थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा इसके बारे में बताइए, विच यू जस्ट सेट क्राफ्ट्स नॉलेज. नो क्राफ्ट्स नॉलेज सी जो 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 नॉलेज डेवलप जनरेशन होता है, तो हम हमेशा डिसिप्लिनरी नॉलेज जनरेशन रिसर्च करते हैं और रिसर्च से आगे बढ़ाते हैं. लेकिन जो एक्सपीरियंशियल नॉलेज जो होता है, इट इज वेरी पर्सनलाइज्ड, बट दैट पर्सनलाइज्ड अक्रॉस डिफरेंट पीपल जो होता है, बहुत लोगों के साथ जो पर्सनलाइज्ड नॉलेज है, इसको इकट्ठा करके हम देखते हैं, वो दैट इज क्राफ्ट्स नॉलेज. जैसा मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये जो ये आर्किटेक्ट और स्कल्प्टर, जो स्कल्प्टर है, आर्किटेक्ट सोचते हैं कि ऊपर से किस तरफ से होना चाहिए, विजुअलाइज करते हैं. ये जो स्कल्प्टर है, स्कल्प्टर का जो क्राफ्ट्स नॉलेज जो है, वो इनका बहुत सीमित है, इनका अपना है. लेकिन ये जो नॉलेज है, इसके बारे में हम ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं. जो सभी को शेयर कर सकते हैं, द वेरीफाइएबल नॉलेज है, इसको ज्यादा ध्यान देते हैं हम. तो मेरे ख्याल से टीचिंग इम्प्रूवमेंट के लिए क्राफ्ट नॉलेज इज लिसन टू द वाइज मैन अनदर टीचर, एंड दैट इज ब्रिंग यू मच मोर नॉलेज देन ओनली लिसनिंग टू एन एक्सपर्ट. दैट्स व्हाट आई मीन. राइट राइट, एब्सोल्युटली गॉट इट नाउ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट थोड़ा बहुत हम अपनी ट्रेनिंग्स में इस पे ट्राई भी करते हैं करने के लिए, बट डेफिनेटली यू नो समथिंग टू फोकस ऑन. एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क समथिंग? ग्रेट. आई थिंक सर मेरा भी एक क्वेश्चन है. गुड आई गॉट अ चांस टू आस्क. हम टीचर की बात करते हैं, हम पेडागोजी की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, एंड वी यू नो वी आर एब्सोल्युटली इन सिंक दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट you know, segment and we have to focus. हम how children learn के बारे में भी काफ़ी बात करते हैं और अपनी trainings में कोशिश करते हैं कि teachers को समझाएं कि कैसे एक बच्चा सीखता है. हम parents को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे involve करें, parents या community, क्योंकि एक you know they are very important part of our entire model also and otherwise also we believe that you know a parent and a community if they take that ownership then it gets very easy for a child also to learn. You know, while we understand that our parent and the community that we are working in, they are already struggling with the basics of life. You know, in sab challenges ko dhyan mein rakhte hue hum aisa, you know, if you can just guide us thoda sa ki hum kaise kare ki hum parents tak pahunch sake ya community connect jyada acha bana sake. Mere is sawal ke baad Ravi aapko definitely chance milega. So after my question, Ravi will ask. Sir, over to you, Govinda sir. Fine, fine. Yeah, I think community को involve करने के लिए तो आपको तो teacher also has to be brought in the center stage. The point is that learning in the school has to be a professional activity which the teacher has to guide. But teacher alone cannot really make a child to change. Child grows not only because you are teaching. Child grows otherwise also. Child not only learns because you are teaching, but also non-formal and informal means also they learn. So parents have a very, very important role to play. The community has a very important role in shaping the personality of the child. So we need to integrate the personality of the child in the learning process.
That is where the community and the teacher will have to come closer. It's a what is required therefore is that community ka bhi involvement ka bhi koi formula nahi hai. Every child requires a different way that you deal with their parents. And hum hamesha ek standard rakhe jane se community involvement ka bhi koi ye nahi hone wala hai. This doesn't undermine in any way. This should not in any way undermine the professional capability of the teacher. This is the central phenomenon. If you have a good professionally capable teacher, you find that the communities come closer to the teacher because community will respect the teacher. But if the teacher doesn't have that, automatically you will see. हमने जो देखा है कि जहाँ स्कूल अच्छा काम करती है जैसा हिमाचल प्रदेश में देखा कम्युनिटी और स्कूल का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. क्यों? क्योंकि वहाँ स्कूल काम करता है रेगुलरली. तो दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो म्यूचुअल ओनली वेन इट वर्क इन द स्कूल. थैंक यू. यस, I agree with you, sir. Really, I think Ravi wanted to ask something. Yes, Ravi, over to you. Thank you very much. Good afternoon, sir. And it was really a treat to listen to you. And first time, मेरे को ऐसा लगा कि पहली बार किसी ने ये चीज बोली कि schools जो थे उसपे हम लोग इतना dependent हो गए कि हम ये भी भूल गए कि पढ़ाई उसके बिना भी हो सकती है. This is one of the beautiful thing जो आपने बोली and आज ये मेरे को याद रहेगी पूरा दिन और आगे भी. So मेरा question ये था sir कि as you said कि teaching is a craft which I agree like 100% कि yes it is a craft. जो बहुत सारे teachers सीखते हैं and ज़्यादा से ज़्यादा practice से आती है. But the thing is कि ये practice करने का टाइम नहीं मिले बच्चे को एक क्राफ्ट के जरिए से पढ़ाने का टाइम नहीं मिले बच्चे को उस क्राफ्ट के जरिए से ज्यादा चीजें लर्न करने का टाइम नहीं मिले एंड उसको फिर से इसी कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में आना पड़ता है इसी रिजल्ट में घुसना पड़ता है रिजल्ट में रिजल्ट चाहिए सबको. सो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं मतलब कोई टाइम देने को तैयार क्यों नहीं है. एंड अगेन देयर इज अ sword hanging on a head कि वो result चाहिए result चाहिए result चाहिए. इसको कुछ tackle करने के लिए क्या कर सकते हैं sir? Primary school में हम particularly गांव में जो काम करते हैं हमारा problem यह है कि हमारा reference point गांव और बच्चे नहीं होते हैं. हमारा reference point कहीं दूर 100 मील दूर जो हो रहा है इसको हम देखते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है. जब तक हम ये रेफरेंस पॉइंट लोकली नहीं करते हैं आई डोंट थिंक वी कैन रियली हेल्प द चाइल्ड बेटर. द प्रॉब्लम ऑफ मच ऑफ द एरिया इज दैट इट इज नॉट दैट द करिकुलम इज डिफरेंट. करिकुलम कैन बी वेरी सिमिलर वेदर इन रूरल एरिया इन अर्बन एरिया इन ए रिमोट ट्राइबल विलेज आर एनीवेयर बट आवर रेफरेंस पॉइंट हैज टू बी डिराइव्ड लोकली. जो अभी हम एक रिमोट मध्य प्रदेश में एक रिमोट ट्राइबल एरिया में जाए और वहां जो हम रेफरेंस लेते हैं कि बच्चों को ऊपर लाने के लिए तो वहां से ये रेफरेंस लेना चाहिए. यू कैन नॉट कंपेयर ए स्कूल एंड इन ए विलेज वेयर देयर इज नो रीडिंग मटेरियल. मैंने ऐसा भी कुछ गांव में गया हूं जहां दूसरा कोई रीडिंग मटेरियल नहीं है कोई न्यूज़पेपर नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ वो जो टेक्स्ट बुक है वो भी सभी फटा हुआ टेक्स्ट बुक है इसके बिना कोई प्रिंट मटेरियल ही नहीं है. हम इनको किस तरफ से काम करें इनके साथ वो तो वहां ही रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा हमें किस स्तर पे है और आगे कहाँ ले जाना चाहिए कितना दिन लगेगा कितना साल लगेगा वो हमें देखना चाहिए. हम इसको हम अर्बन एरिया से कंपेयर करके करें रेफरेंस पॉइंट लें वी आर बाउंड टू फेल. प्रॉब्लम इज एक्चुअली दैट वी डोंट लुक विथ इन वी लुक समवेयर एल्स फॉर वॉट टू डू. And if we start looking locally, what we need to do, where we are, I think probably step by step, we can change the school, change the children also. Lovely, sir. And one more thing, ki probably mere saath jitne log kaam kar rahe hain, jitne saare log ground mein kaam kar rahe hain, they are very much aware of the thing ki bachche jab, jaisa you said ki local reference se agar hum usko compare karte hain, then it is fine.
बट उसको किसी और जगह से इफ यू कंपेयर इट टू दिल्ली या समथिंग एल्स समवेयर एल्स सो वो दिक्कत करता है. सो हाउ डू वी मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो आप सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है कि बच्चा वैसा हो जाना चाहिए बच्चे को ये चीज आ जाना चाहिए सो ये कैसे थॉट प्रोसेस बाकी लोगों बिकॉज हम बच्चे से निकलते हैं तो हम पेरेंट्स से फाइट करते हैं पेरेंट्स से निकलते हैं तो हम कम्युनिटी से फाइट करते हैं कम्युनिटी से निकलते हैं तो फिर और भी सीनियर सेंजन से फाइट करते हैं बट कोई ये बेसिक चीज समझने को तैयार क्यों नहीं है. ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं समझते हैं. आप सौ पेरेंट्स से बात करें इसमें 80 पेरेंट्स तो समझ लेंगे जो आप कह रहे हैं. लेकिन हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए पेशेंस होना चाहिए इसमें समझाने के लिए क्योंकि इनका जो उन लोगों ने तो कुछ देखा नहीं. आप जो पेरेंट्स के साथ बात करते हैं इनको तो खुद का तो मेनी ऑफ देम में भी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स इनको पता नहीं है. और वो लोग देखते हैं कि जो नेबर्स जो कहते हैं इसको देख के वो बात करते हैं वो तो हमें पेशेंस होना चाहिए एंगेजमेंट कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट इज द ओनली सोल्यूशन फ्रॉम विच यू कैन चेंज पीपल. We should have that confidence that लोग बदलने के लिए तैयार है. ये हमें हमें ये confidence होना चाहिए. जैसा मैंने कहा कि ये teacher बनने के लिए आप में ये विश्वास होना चाहिए सभी बच्चे सीखने के लिए आते हैं और सभी बच्चे एक ही तरह से सीख सकते हैं ये एक विश्वास होना चाहिए. जैसा हमें भी एक विश्वास होना चाहिए लोगों की मनोभाव में बदलाव ला सकते हैं हमारे हाथ में है इनके साथ जोड़ने से हो सकता है तभी तो आगे बढ़ सकते हैं. जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही वैसे सवाल भी बढ़ते जाएंगे. और रवि आर यू ओके विद दिस फॉर टाइम बीइंग? जी बिल्कुल 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 या थैंक यू वेरी मच. आई थिंक पुनीत सर बोलना चाहेंगे पुनीत कुमार दास और उसके बाद यादव जी का एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे. हाँ जी पुनीत सर पुनीत जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. प्रीति मैम एक सवाल मैंने भी सर से पूछा. हाँ पूछिए आप पूछिए जब तक प्लीज. हेलो सर वेरी गुड आफ्टरनून. सर मेरा ये सवाल था कि टीचर्स को जैसे आपने बताया कि टीचर्स के को का अच्छा होना बहुत जरूरी है प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल्स के लिए. तो मेरा ये कहना था कि ठीक है टीचर एक है और उसकी एकेडमिक पकड़ है और वो स्कूल भी रेगुलर जाती है बट जो हमको चैलेंज दिखाई देता है उनके मोटिवेशन का कि उसको ये वो सेल्फ मोटिवेशन का कि सेल्फ मोटिवेटेड हो बच्चों को वो एजुकेट करने के लिए तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कमी लगती है. और वो गवर्नमेंट स्कूल में तो अब जैसे वो लोग हाईली पेड होते हैं और सरकार और भी व्यवस्था उनको देती है बट हमारे सेंटर पे क्या है कि जो हम लोग टीचर्स को चुनते हैं वो कम्युनिटी में से ही चुनते हैं उसी कम्युनिटी में से जिस कम्युनिटी में हम लोग सेंटर चला रहे होते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए. तो उन टीचरों के साथ हम लोग उस तरह की व्यवस्था तो नहीं दे पाते तो क्या कारण हो सकते हैं उनके सेल्फ मोटिवेटेड ना होने का. ये यदि सर आप जो कह रहे हैं बात ठीक है कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं कि मोटिवेटेड नहीं होते हैं काम करने के लिए लेकिन मेरे एक्सपीरियंस कहती है कि 20-30% टीचर्स तो खुद मोटिवेट होते हैं और 40-50% ऐसे हैं इनको हमें हमें समझाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा कि क्या होता है आप काम करने से इसका क्या अचीवमेंट से आपका सेटिस्फैक्शन क्या मिलता है. ये हमें हमें डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए. काफी बार तो हम सोचते हैं कि टीचर खुद मोटिवेट हो नहीं भी हो सकता है क्योंकि टीचर भी जो हमारा सोसाइटी का ही अंग है तो सिर्फ इट इज नॉट इन ओनली इन टीचिंग प्रोफेशन सभी प्रोफेशन में आज ऐसे है कि कुछ लोग ऐसा ही है और इतना मोटिवेशन नहीं होता है कैसे भी कुछ हो जाना चाहिए ऐसा सोचने वाले होते हैं इजी वे आउट. तो teachers are also part of the same society. So if you want to really improve the things, we need to work with them. We need to have confidence that we can really change them. मेरे ख्याल से हो सकता है कि कोई 20% teachers तो कभी बदलेंगे नहीं लेकिन
80% टीचर्स तो ऐसे हैं इनके साथ काम करके समझाने से बदलने के लिए तैयार है, मोटिवेट होने के लिए तैयार है, ऐसा मेरा कहना है। ओके, बिल्कुल आपके इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। देयर आर टीचर्स यू नो जो बहुत रेडी होती है लर्निंग के लिए भी, मोटिवेटेड भी होती है और हमेशा कुछ नई चीजों के लिए भी तैयार रहती है। सर, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। बिफोर आई एक्चुअली थैंक यू सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जस्ट टू लिटिल थिंग्स यू नो विच, एक तो आप अपने कन्वीनियंस से वी विल गेट इन टच विद यू और बताइए वेन एवर इट इज कन्वीनियंट फॉर यू और थोड़ी सिचुएशन भी नॉर्मलाइज हो जाए, प्लीज हमारे फील्ड पे आइए एंड प्लीज सी वन ऑफ द लर्निंग सेंटर्स। द रीजन इज वी नीड योर गाइडेंस ऑन इट यू नो, और वो गाइडेंस ऑलरेडी आप इतनी अच्छी दे रहे हैं और एक बार अगर आप हमारा लर्निंग सेंटर देख लें, इफ यू यू नो विजिट आवर फील्ड, इट विल बी रियली नाइस एंड हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस यू नो फॉर फ्यूचर गाइडेंस एंड यू नो फॉर एंड व्हेनेवर यू हैव टाइम वी आर ऑल एब्सोल्युटली ईगर टू हियर यू ऑन मेनी मोर एस्पेक्ट्स ऑफ। So I would request everybody wants to switch on their camera and let us all together say thank you to Govinda sir. Please, can we all switch on our cameras up? So good combination of participants today, sir. हमारे पास 11 states से लोग हैं इधर, हमारे head office से लोग हैं काफी सारे, and the best is हमारे जो implementing partners है जो हम बहुत important है field पे, वो भी सब हमारे साथ हैं। तो यस एवरीवन प्लीज थैंक यू ऑल टीम मैनेजर हेल्प आवर थैंक यू चीफ गेस्ट टुडे थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सभी को थैंक यू मैम थैंक यू स्टे सेफ थैंक यू आई इंपैक्ट टीम आल्सो शुक्रिया। Okay, Govinda sir, thank you so much for your valuable time. Thank you. Okay, thank you. Okay, sabhi ko thank you. See you all soon. Or, you know, we will get in touch with you for some nice informative session now. Thank you, ma'am. Okay, all the best. Please, thank you, I'm sure. Yes, yes, welcome. Thank you, ma'am. Okay, bye. Thank you, all team. Okay, ma'am.